नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें। सबसे पहले आप तक इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगा पट्टी क्षेत्र से आ रही है। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब न्यूज। अभी मैं नगर पंचायत मच्छरगावा के वार्ड नंबर 10 में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर चुनाव की जो सरगर्मी है काफ़ी तेज हो गई है। सभी लोग चुनाव में कूद पड़े हैं जीतने के लिए, लेकिन कौन जीतेंगे, किनकी विजयी होगी, यहाँ की जनता तय करेगी। इसी बीच में वार्ड नंबर 10 के मैं आया हूँ और यहाँ पर मेरे एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं और मैं वैसे मालूम करूँगा कि चुनाव में क्यों खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं। सर, मैं चाहूँगा आप सर अपना पहले परिचय बताएं। मीडिया प्रकार के हम नमस्कार करता हूँ भाई, लेकिन हम मकसद आज पूछते हैं तो हम बता रहे हैं ये मकसद हमारा क्या है। मकसद यही है कि हम चुनाव लड़ते हैं। आप सर अपना बताइए परिचय पहले। पता ठीक है, परिचय हमारा है ध्रुप राम, ग्राम बिशनपुरवा, नगर पंचायत मछगावा है, वार्ड नंबर 10 है। चलिए सर, आपको चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? लड़ने का चुनाव मकसद ये है कि हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं, ये देखो गरीब मजदूर यहाँ सब दलित वर्ग लोग हैं, दलित वर्ग के कोई कुछ नहीं देने चाहते हैं। सब आज जो चीज़ मिलता है वो दलित वर्ग में नहीं आता है, सब ऊपरे ऊपरे सब लोग नोच चोच के लोग खा जाता है, समझे। इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार बहुत कुछ गरीब के लिए, हरजन के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलता है। देखिए जे कितना लोग है, राशन कार्ड भी नाम नहीं है, राशन भी लोग को नहीं मिलता है, कुछ लोग मिलता है, कुछ लोग राशन भी नहीं मिलता है। इसीलिए हम चुनाव लड़ते हैं, इस सहयोग से जनता का सहयोग चुनाव लड़ेंगे, सब हक की लड़ाई करेंगे, सब किसी को घर द्वार बनेगा, राशन सरकार से मिलता है, राशन भी मिलेगा। बस मकसद यही है, घर द्वार भी, इंदिरा आवास भी बनेगा, रोड नल नाली है सब बनेगा, इसीलिए हम चुनाव लड़ते हैं। सर, चुनाव में सर बहुत लोग खड़े हैं, तो लोग आप ही को क्यों चुने? सर चुने हैं बहुत लोग इसे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव जो लड़ रहा है कुछ लोग अपने घुस रसलों के लिए चुनाव लोग लड़ता है। जे हम जीतेंगे तो इसमें बहुत, देखिए जे इंदिरा आवास में भी लोग 20,000 भी लेता है, लोग राशन कार्ड बनवाने में 1500-2000 रुपया राशन कार्ड भी लोग लेता है, बहुत लोग गरीब। अरे जो प्रत्याशी है जो उसमें खड़ा है वो लेते हैं ये 1500-2000 रुपये लेते हैं। गरीब लोग पैसा अगर नहीं होगा तो उसे राशन कार्ड नहीं बनेगा, बताइए। जो अगर गरीब के जो 1500-2000 रुपये नहीं होगा तो राशन कार्ड नहीं बनेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। ये गरीब के लिए हम खड़े हैं, गरीब भाई हमको चुनाव करेगा, हम जीतेंगे तो उसको राशन कार्ड भी उसको दिलाएंगे, सरकार से कह के सब किसी से निभा पाती करके। सर, अगला आपसे सवाल है कि जीतने के बाद आप कौन कौन से काम कीजिएगा? हाँ, जीतने के बाद यही काम में जो इंदिरा आवास लोग बनवाएंगे, राशन कार्ड में जिसको नाम नहीं सुना राशन कार्ड में नाम जुड़वाएंगे, उसे राशन कार्ड दिलाएंगे, जो है जहाँ वृद्धा पेंशन भी कराएंगे, जहाँ रोड टूट गया है उसको रोड के बनवाएंगे, जब पुल पुलिया होगा पुल पुलिया भी बनवाएंगे, कोई गरीब को हम सहारा, गरीबों को सहारा करेंगे। चलिए सर, आखिर में सर आपसे सवाल है कि लोग 9 तारीख को वोट डालने जाएंगे, तो लोग से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोग से आप क्या कहेंगे, लोग के ऊपर है, लोग अगर सही अगर चुनेगा तो हमको वोट देगा, और नहीं चुनेगा तो लोग नहीं वोट देगा। दूसरे क्या कहेंगे लोग से, प्रचार तो बहुत होता है, प्रचार सभी लोग प्रचार करते हैं, हम भी प्रचार किए हैं, सभी लोग प्रचार करते हैं, तो अब वो दिन लोग से वोट मांगते, वोट नहीं मिलेगा। लूट छ दो महीना चामा पहले से लोग प्रचार करता है, सब लोग के कैंडिडेट के सब लोग चिंते, अगर सही चुने तो हम मकसद यही बात है, सही जो गरीब के चुनाव करेगा, जो गरीब आदमी जीतेगा सभा में रहेगा तो गरीब को भलाई होगा, किसान मजदूर को सभी किसी की भलाई होगा, और नहीं चुनेगा तो नहीं होगा। लूटने वाला लूट खसोट वाला लोग तो है ही है, जो लूट खसोट करेंगे लूटेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने समय निकाल कर दिए। मैं चाहूँगा इस वार्ड के सभी जनता से कि एक अच्छा नेता चुने ना, जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, ना कि विनाश कर सके। और ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, नगर पंचायत मच्छरगावा।